इसका जो अपना पार्टनरशिप जो लोग चल रहा है उसके अंदर अपना एक चैप्टर पूरा हो गया है, अभी आज अपने दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मीनिंग हुआ कि कोई फर्म चल रही है पहले से जो फर्म चल रही है और उसमें कोई नया साझेदार प्रवेश लेना चाहे तो उसे दो प्रकार की रस्सी फर्म में लेने की आनी पड़ती है। एक तो कि वह संपत्ति और दायित्व में हिस्सा लेना चाहता है उसके लिए तो वो क्या करेगा, पूंजी लेकर आएगा, और लाभ में हिस्सा लेना चाहता है उसके लिए गुडविल की राशि लेकर आता है। नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे दो प्रकार की राशि लानी होती है, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए तो पूंजी की राशि और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए शक्ति की राशि। सबसे पहले अपने देखते हैं कि जब नया साझेदार फर्म में संपत्ति की राशि लाता है तो हो सकता है कि वो बिल्कुल नहीं हो, अर्थात वह पहले से कोई वर्क नहीं कर रहा हो, अपना व्यापार नहीं कर रहा हो, तो सारी की सारी राशि वो कैश लेके आता है। अगर मान लो वो पहले से व्यापार कर रहा हो एकाकी व्यापार और अब वो फर्म में मिलना चाहता है तो हो सकता है वो पुरानी व्यापार की संपत्ति और दायित्वों के साथ मिलाए। अब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो पूंजी लाएगा। अब पूंजी है वो अगर सारी की सारी नगद लेकर आता है नए साझेदार द्वारा द्वारा पूंजी की राशि नगद लाने पर नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि नगद लाने पर जब नया साझेदार पूंजी की राशि नगद लाता है तो उसकी आपको एक दृष्टि करनी पड़ती है। कैसे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लो ऐसा अजय है और वो उस फर्म में प्रवेश करना चाहता है, उसकी पूंजी हमने फिक्स कर दी 2 लाख रुपए है तो वो 2 लाख रुपए सारे के सारे नगद लाए तो मैं एंट्री लेने कैसे अकाउंट एक भी टू अजय कैपिटल अकाउंट यानी न्यू पार्टनर की जगह अजय का नाम लिखते हैं। अगर मान लो वो सारा नया साझेदार सारी की सारी राशि नगद ना लाए वो अपने व्यापार का जो पुराना पहले से चल रहा है एक व्यापार चल रहा है उसकी संपत्तियों और दायित्वों को भी साथ में लाए तो उसमें आपने क्या करना है सारी संपत्तियों को तो डेबिट करना है और सारे दायित्वों को क्रेडिट करना है, साथ में उसकी जो कैपिटल निश्चित करी गई उसको भी क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। अब मान लो ऐसा करने से डिफरेंस आ जाए डेबिट में कम आ जाए तो मान लेना शेष राशि को नगद लेकर आता है, यानी कि नया साझेदार जब फर्म में आए पुराने व्यापार की संपत्तियों को लाए उन सबको क्या करोगे डेबिट कर दोगे, पुराने व्यापार के दायित्वों को लाए उन सबको क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे, साथ में क्रेडिट किसको करोगे अपने कैपिटल को जितनी कैपिटल उसकी फिक्स कर दी गई है और डिफरेंस है वो कैसे मिला दो नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि के रूप में पुराने व्यापार की संपत्तियों व दायित्वों को नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि के रूप में पुराने व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों को ला, अगर वो पुराने व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों को साथ ला रहा है आपको एंट्री क्या करनी है और जो एसेट्स होते हैं उन्हें आपको डेबिट करना है, एक जो सन्ड्री एसेट्स है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट।
अगर वो साथ में लायबिलिटीज भी डालता है तो उन्हें क्या करना है, डेबिट टू सेंट्री लायबिलिटीज उसे आपको यहाँ पे डेबिट में कैसे लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट ये आएगा बैलेंसिंग फिगर्स क्या, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या बैलेंसिंग फिगर से अपने आप बता देगी कि वो कितने रुपए कैसे लेकर आया है। मान लो ऐसा है कि सरकार द्वारा पूंजी की राशि नगद लाई जाए, सारी की सारी राशि अगर नगद लाए, मान लो किसी फर्म में एक नया सरकार आ रहा है उसकी पूंजी की राशि 2 लाख रुपए तय कर दी कि वो नगद में पूंजी के लिए 2 लाख रुपए लेकर आएगा, ऐसे ही कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के लिए यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कैसा अकाउंट है तो एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से 2 लाख रुपए से। कैसा अकाउंट है तो एज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए से अगर वो सारी की सारी राशि कैश में लाए, अगर नए सरकार द्वारा पूंजी की राशि के रूप में पुराने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को भी लाया जाए, मान लो ऐसा कहते किसी फर्म में ये नए सरकार के रूप में आया उसकी कैपिटल है वो 2 लाख फिक्स कर दी गई कि वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, साथ में वो अपने पुराने व्यापार की बिल्डिंग मान लो लाया 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए को पुराने व्यापार की बिल्डिंग ले आया है, फर्नीचर ले आया 20,000 का, 20,000 का फर्नीचर ले आया, डेंटर लाया 40,000 का, और साथ में क्रेडिट लाया 30,000, यानी वो इस तरह से पुराने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को ले आया 2 लाख रुपए की कैपिटल। आपको क्या करना है, सारी एसेट्स को पहले इसमें से डेबिट करना है, एसेट्स में क्या लिखेंगे तो बिल्डिंग एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ये संपत्ति आएगा दायित्व में उसे व्यक्ति या नए क्रेडिटर लेकर आया है टू क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर कितने के हैं, क्रेडिटर है वो 3,000 के, बिल्डिंग कितने की है 1 लाख की, फर्नीचर कितने का है 20,000 का, डेटर कितने के 40,000 के, टू क्रिएटर भी ज्यादा और नए पार्टनर की जो कैपिटल अलग होता है, नया पार्टनर को मान लेते हैं ए है तो टू ए कैपिटल अकाउंट कितने पैसे ले जाएंगे इसे 2 लाख से, 2 लाख की क्या होगी कैपिटल। अब आपको देखना है क्रेडिट में कितना आ गया 2,30,000 और डेबिट में आ गया अपना 1,60,000, शेष बचेगा 70,000, 70,000 वो कैश नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको कैश को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 से, ये जो है वो कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर से आएगा, कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर से आएगा, तो जब नया सरदार
और हमें प्रवेश करे और अपनी कुंजी लेकर आए। कुंजी वो दो रूप से ला सकता है, एक तो सारी की सारी कुंजी क्या नगद में लाए, एक नगद में ले लाकर पुराने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को भी लाए साथ में। अगर वो सारी की सारी कुंजी की राशि जैसे ये नया खरीदार आया उसे 2 लाख रुपये उसकी कुंजी फिक्स कर दी गई और वो अपने 2 लाख रुपये नगद में ले आया, उसके अंदर क्या करनी है आपको कैश का एज के फिल्म करनी है तो 2 लाख रुपये से होगी। लेकिन नए घर पूंजी के रूप में क्या पुराने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को भी लाए, तो पुराने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को यदि वो ला रहा है तो सारी संपत्तियों को क्या करना है डेबिट करना है, सारे दायित्व को क्रेडिट करना है और जितनी उसकी पूंजी है उसे भी क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। डिफरेंस बचेगा वो कैश लेकर आएगा। इसमें बिल्डिंग को कितने की लाया 1 लाख की, इसे 1 लाख से डेबिट कर दिया। फर्नीचर कितने का लाया 20,000 का, उसे भी क्या कर दिया डेबिट कर दिया। डेटर कितने के हैं 40 के, डेटर कितने के हैं 30,000 के, कैपिटल उसकी कितनी है 2 लाख रुपये, डिफरेंस बच गया 70,000 रुपये, वो कैसे देख रहा है। तो पहली जो समस्या होती है जब पैसा जब फर्म में प्रवेश करता है तो उसकी पूंजी की होती है और उसके लिए आपको ये प्रवेश करनी होती है। अब नंबर दो समस्या होती है कि जब पैसा जब फर्म में प्रवेश करता है तो वो जब फर्म में प्रवेश करेगा तो स्पष्ट है कि वो लाभ में हिस्सा लेना चाहेगा, लाभ में हिस्सा लेने के लिए वो आ रहा है तो लाभ में जब हिस्सा लेते हैं तो अब ये दिक्कत रहती है कि नए साझेदार को लाभ में हिस्सा कितना दिया जाए और किस प्रकार दिया जाए या कौन दे। तो इसलिए अपनी कई विधियाँ होती है, यानी जब नया लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं तो नया लाभ अनुपात ज्ञात करने की आपके सामने कई विधियाँ होती है। पुराना अनुपात
माइनस में नया विभाग जब आपके पास दो अनुपात हो, जैसे पुराना देते हो त्याग कर देते हैं, आपको नया निकालना हो तो पुराने में से त्याग का बता दो तो आपका नया आ जाएगा। यदि पुराने में से नया लगा के आप त्याग का ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये दोनों होने चाहिए जब आप त्याग का अनुपात इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है, अधिकतर आपको एक अनुपात दिया होगा और उसमें से आपको अन्य अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो अब उसमें आप नया अनुपात ज्ञात करने की कई विधियां हैं। अब देखो कि जब नया साझेदार आ गया तो नया साझेदार किस साझेदार से कितना ले रहा है, इसमें देखो कई विधियां हैं। इसकी पहली विधि है जब नया साझेदार पुरानी साझेदारों से जब नया साझेदार पुराने साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त हो, जब नया साझेदार क्या करे पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा है, कहने का मतलब नए साझेदार को जो हिस्सा मिल रहा है वो पुराने साझेदारों से कैसे ले रहा है, उस अनुपात में ले रहा है जिस अनुपात में पुराने साझेदारों को पहले हिस्सा मिलता है। वैसे अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस विधि से सवाल करना है। जैसे मानो आपको ये कहते हैं कि किसी फर्म में ए और बी लाभ को तीन अनुपात दो में बांटते हुए साझेदार है, ए और बी लाभ को क्या है तीन अनुपात दो में बांटते हुए साझेदार है, उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, तो ए बी सी लाभ को तीन दो एक में बांटते हुए साझेदार है, उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अब आपको ये कहे कि नया लाभ आने के बाद ज्ञात करो, या इसको ऐसे मान लेते हैं कि सी को एक बटे छह हिस्सा दिया गया, अब सी को एक बटे छह हिस्से के रूप में प्रवेश दिया गया। अब ये कहे कि सी जो अपना हिस्सा है ना वो पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में ले रहा है, या तो क्वेश्चन में आप ऐसा लिखते कि सी है वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में ले रहा है, या फिर आप कुछ नहीं ना जितना कहते कि ए और बी लाभों को तीन दो में बांटते हैं, उन्होंने सी को एक बटे छह हिस्से के लिए प्रवेश दिया है। सी बस और आप इसे कहने लाभ अनुपात ज्ञात करें। तो सवाल को कैसे करना है, देखो कोई भी नया अनुपात ज्ञात करने के पास आपको दो अनुपात होने चाहिए, पुराना अनुपात होना चाहिए और त्याग का अनुपात होना चाहिए। पुराने में त्याग का घटा दे तो नया मान होता है। अब आपको करना क्या, देखो पहले तो ये हो गया कि जब कुछ ना लिखा हो सी किससे कितना ले रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सी पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में ले रहा है, कहने का मतलब सी को हिस्सा मिला एक बटे छः, इस एक बटे छः को वो ए और बी से ले रहा है, वो किस अनुपात में ले रहा है तीन अनुपात दो में ले रहा है, यानी इसका किसका एक बटे छः का तीन बटे पाँच तो वो किससे ले रहा है ए से, और एक बटे छः का दो बटे पाँच किससे ले रहा है वो बी से। तो पहला कार्य आपका क्या है, इसे लाभ अनुपात को ज्ञात करना, वो कैसे करें। जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आपको ये मान लेना पुराना साझेदार सॉरी पुराने साझेदार से नया साझेदार पुराने अनुपात में हिस्सा ले रहा है, तो कैसे करना है इसको देखो। पहले ए का त्याग निकालेंगे, ए का त्याग। अब ए का त्याग कैसे है, सी को एक बटे छह मिल रहा है और एक बटे छह का वो तीन बटे पांच किससे ले रहा है ए से, तो ए का त्याग हो गया एक बटे छह का तीन बटे पांच, ये आ गया तीन बटे तीस। तो ए का त्याग कितना हो गया तीन बटे तीस हो गया।
अब बी का क्या कितना हुआ, बी सी ओ ले रहा है एक बटे छह का दो बटे पांच, एक बटे छह का दो बटे पांच, तो एक बटे छह का दो बटे पांच हो गया दो बटे तीस, तो ए का क्या हो गया तीन बटे तीस और बी का क्या हो गया दो बटे तीस, तो ए का क्या तीन बटे तीस, बी का क्या दो बटे तीस, ये ए और बी के क्या हो गए। लेकिन हमें कौन सा अनुपात निकालना है, हमें निकालना है नया अनुपात, अगर पूछे प्यार का अनुपात बताइए तो प्यार का अनुपात इसमें तीन अनुपात दो आएगा, प्यार का अनुपात बराबर तीन अनुपात दो ही आना चाहिए, क्योंकि नया सरकार पुराने सरकारों से पुराने अनुपात की हिस्सा प्राप्त कर रहा है और पुराना अनुपात के का तीन दो ही इनका प्यार का अनुपात हो गया तीन दो। अब क्या करना, देखो इसका तीन दो आ गया, अब इसे आपको नया अनुपात निकालना है एक का नया अनुपात। अब हमारे पास दो अनुपात आ चुके हैं, तो दो अनुपात का पुराना अनुपात तो पहले ही हो गया ए और बी का ही होगा पुराना, तो और क्या भी ए और बी का ही होगा, तो क्या करेंगे ए का नया अनुपात, तो नया अनुपात का सूत्र भी मैंने आपको बताया था, नया अनुपात बराबर नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस में प्यार का अनुपात। एका नया अनुपात एका पुराना कितना था, एका पुराना था तीन बटे पांच, एका पुराना था तीन बटे पांच और उसमें से क्या कर दिया तीन बटे तीस का, तीन बटे पांच माइनस में तीन बटे तीस, तो पहले क्या करोगे तो तीस और पांच का लोकम लोगे कितना आ गया तीस, पहले तीस और पांच का भाग दिया तो छह आ गया, छह तीन अठारह माइनस में तीन इसका आ गया पंद्रह बटे में तीस, तीन कैसे मल्टीप्लाई सकती है एक आ गया एक को तीन से मल्टीप्लाई किया तो तीन आ गया, तो आ गया पंद्रह बटे तीस, ये तो आ गया एक का। बी का नया अनुपात आ गया बी को पहले मिलता था दो बटे पांच, क्या कितने का किया दो बटे तीस का बराबर तीस, तो आ गया तीस, तो तीस में पांच का भाग दिया छह आ गया छह दुनी में अठारह माइनस में इसका आ गया छह दुनी छह दुनी बारह माइनस में आ गया दस बटे तीस, तो बी का नया अनुपात हो गया दस बटे तीस, ए का हो गया पंद्रह बटे तीस। अब देखो पुराने अनुपात में दो थे ए और बी, जिनको कितना मिला ए को तीन हो गया तीन अनुपात दो, तो ये तो पुराना अनुपात हो गया। सी को ए बटे छह मिलता है, सी पुराने में तो था ही नहीं, सी का सारा है सारा का सारा क्या है नया अनुपात है, सी का सारा क्या है नया अनुपात है। अब क्या करना है देखो ए और बी का पहले त्याग निकालना है, त्याग कैसे निकलेगा सीधा तरीका याद रखो ए के हिस्से को सी के हिस्से से गुणा करना है, ए के हिस्से को क्या करना है सी के हिस्से से गुणा करना है, तो सी का हिस्सा एक बटे छह और ए का हिस्सा तीन बटे पांच, एक बटे छह को तीन बटे पांच से गुणा किया तो आ गया तीन बटे तीस, ये तो गया ए का त्याग तीन बटे तीस हो गया। फिर बी का त्याग कितना है एक बटे छह का दो बटे पांच, एक बटे छह को दो बटे पांच से गुणा कर दो ये हो गया दो बटे तीस, तो ये आ गया प्यार का अनुपात ए का प्यार तीन बटे तीस और बी का दो बटे तीस। अब इसको बोलेंगे क्या प्यार का अनुपात को तीन दो बोला जाएगा, लेकिन हम नीचे घटाएंगे अपने ए का नया अनुपात निकालेंगे, ए का नया अनुपात निकालने के लिए आपको पुराने में से क्या घटाना है, ए का पुराना कितना था तीन बटे पांच को किसी तो था ही नहीं इसमें, तो तीन बटे पांच उसमें से क्या कितना कर दिया तीन बटे तीस का, तीन बटे पांच माइनस में तीन बटे तीस, तो तीस और पांच का जब लोकम गया तो तीस आ गया, तो पांच की तीन छह के अठारह आ गया और उसमें फिर तीन आ गया ये आ गया अठारह में से तीन के पंद्रह, तो इसका न्यू आ गया पंद्रह बटे तीस, b
बी का नया अनुपात कितना हो गया, पुराना कितना था, बी का 2/5, क्या कितने का दिया, 2/30 का, पुराने 2/5 में से 2/30 निकाल दिया, ये आ गया अपना पहले 30 में 5 का भाग 6 से निकाल है और 2 ही आ गया तो 10/30 आ गया, तो ए का हो गया 15/30 और बी का हो गया 10/30, लेकिन हमें नया अनुपात क्या करना है, नए में तो सी भी शामिल हो गया, सी का अनुपात देखो, सी का नया अनुपात सी को मिला 1/6 है, सी को जो मिला वो उसका नया ही है क्योंकि वो नहीं पड़ा, नया ही शामिल हुआ है फर्म में, अब क्या करना है देखो, इसका बटे में 30 है, 30 हो गया, इसका अगर 30 हो गया, लेकिन इसका अगर हो गया 6 है, पहले आपको क्या करना है, 6 को 30 बनाना है, 6 को कितने से गुणा करेंगे, 30 बनेगा 5 से, तो अंश को 5 से, हर को 5 से करेंगे, अंश को भी आपको 5 से करना पड़ेगा, तो गुणा कितने से करोगे, 5/5 से, ये आ गया 5/30, तो नया अनुपात हो गया अपना 15, 10 और 5, 8 को 5 3 5 10 और 5 9 5, नया अनुपात अपना 3:2:1 हो गया, ये कौन सी चीज होगी, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, तो त्याग का अनुपात उतना ही आता है जितना उनका पुराना अनुपात होता है, और नए अनुपात में नया साझेदार भी जुड़ जाता है, तो नया अनुपात आ गया 3:1, त्याग का अनुपात आ गया 3:1।